स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में शनिवार को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। इन विपरीत परिस्थितियों में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस कार्यक्रम में सभी शाखाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं व शिक्षणेत्र कर्मचारी शामिल होकर आयोजन का लुत्फ उठाते नजर आए। प्रबंधन की ओर से आमंत्रित सभी शिक्षकों व शिक्षणेत्र कर्मचारियों को पुष्पहार अंग वस्त्रम व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी मिर्जापुर सोनभद्र की सभी शाखाओं से आए लगभग 250 शिक्षकों के समूह को सम्मानित कर उन्हें संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश धनानंद ने कहा कि विगत वर्षों से आई शैक्षणिक जगत की खामोशी को तोड़कर फिर से भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में शिक्षकों को पहल करनी होगी, क्योंकि शिक्षक शैक्षणिक व्यवस्था में मेरुरज्जू के समान कार्य करती हैं। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण सीएस सिंह, डॉक्टर एके चौबे, रचना अग्रवाल, डॉक्टर संतोष कुमार चौबे, अशोक कुमार वर्मा, नीरज श्रीवास्तव उपप्रधानाचार्य, अमिता सिंह व सहित सभी शिक्षक शिक्षिका व शिक्षणेत्र कर्मचारी उपस्थित थे। स्वागत भाषण में बनपुरवा शाखा के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, कार्यक्रम का संचालन अमन सिंह व हर्षिका ने संयुक्त रूप से किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव रिटायर्ड ने किया। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 250 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, उसे अपनी असीमित ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग कर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का आह्वान करता हूँ। मैं सभी को शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ।